गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू फाइन वेरी गुड वेलकम इन योर कंप्यूटर क्लास स्टूडेंट्स योर स्माइल मेक्स द वर्ल्ड सो मच ब्राइटर आपकी जो स्माइल है पूरी दुनिया को चमका सकती है बेटा सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज इसलिए हमेशा खुश रहें नाउ टेक योर जी के बुक एंड ओपन लेसन नंबर ट्वेंटी नाइन नेम दैम पेज नंबर थर्टी एट टेक योर बुक ऑफ जीके एंड ओपन लेसन नंबर ट्वेंटी नाइन नेम देम सबसे पहले बेटे ये समझो नेम देम का मतलब क्या है नेम देम का मतलब यहाँ पे ये है बेटे कई बार हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है और हम इमरजेंसी में जिनको कॉल करते हैं उनके नेम हमें पता होना चाहिए जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी के इंजरी हो जाती है तो हम किसको बुलाते हैं एम्बुलेंस ठीक है इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि जिसको हमने कॉल करना है जिनको हमें बुलाना है उनके नेम क्या है जैसे कि एम्बुलेंस बुलाई फायर कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं है ना बेटे और कहीं चोर वगैरह कोई चोरी कर है तो हम किसको बुलाते हैं कोई तो लड़ाई हो जाती है तो किसको बुलाते हैं बेटा पुलिस को बुलाते हैं इस तरह से हम आज इनके नेम्स के बारे में जानेंगे इस तरह। yes, students, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एम्बुलेंस जब किसी के एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो क्या करते हैं बेटा एम्बुलेंस को बुलाते हैं एम्बुलेंस जब आती है तो आपको पता है ना उसका सायरन बजता है कॉन्टीन्यूसली सायरन बज रहा होता है सायरन का मतलब क्या होता है कि सारे सारे लोग जितने भी साइड जा रहे हैं वो साइड में हो जाओ ताकि एम्बुलेंस को जगह मिल जाए आगे जाने के लिए क्योंकि हम इमरजेंसी में बुलाते हैं एम्बुलेंस को है ना तो जो भी पर्सन सिक है या इंजर्ड है तो उसको एकदम किसकी ज़रूरत है बेटा मेडिकल एड की ज़रूरत है तो मेडिकल तो तभी मिलेगा जब वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेगा। तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा एम्बुलेंस का तो इसीलिए व्हेन एन एक्सीडेंट जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है टेक्स प्लेस और समवन गेट से स्वेयर इंजरी या किसी के बहुत बड़ी चोट लग जाती है तो हम किसको कॉल करते हैं बेटा एम्बुलेंस को कॉल करते हैं एम्बुलेंस जब आती है उसकी एक लाइट आप देखते हो ट्रिम कर रही होती है है ना रेड कलर की लाइट होती है कभी जलती है कभी बुझती है कॉन्टीन्यूसली सायरन चल रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एमरजेंसी है साइड में हो जाए सारा ट्रैफिक ताकि हम हाँ एम्बुलेंस को जाने दें आपको एक और बात बताऊँ जब भी कोई एम्बुलेंस जारी होती है उसका सायरन कॉन्टीन्यूसली बज रहा होता है तो क्या होता है बेटे अगर रास्ते में रेड लाइट आ जाए तो रेड लाइट में भी हम एम्बुलेंस को नहीं रोक सकते क्यों क्योंकि वो एमरजेंसी व्हीकल है एमरजेंसी में हमने पेशेंट को आगे लेके जाना है कहाँ लेके जाना है हॉस्पिटल में क्लियर बेटे और जो एम्बुलेंस होती है बेटे उसके अंदर भी मेडिकल एड की बहुत चीज़ें होती हैं पूरी मेडिसन्स होती हैं और भी मेडिकल एड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स uh, होते हैं ये सब चीज़ें उसके अंदर ही होती हैं एम्बुलेंस की क्लियर हुआ बेटे ओके वेन ए ह्यूज फायर एट एनी प्लेस जब कहीं आग लग जाती है वी कॉल द हम किसको बुलाते हैं बेटा फायर ब्रिगेड को फायर ब्रिगेड का क्या काम होता है बेटे फायर ब्रिगेड के लोग आकर के वो बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं उनके पास उससे वाटर डालते हैं फायर के ऊपर और वो फायर को ख़त्म कर देते हैं तो आपने देखा होगा बेटे जहाँ फायर होती है वहाँ पे जो स्मोक होती है वो बहुत थिक हो जाती है धुआं बहुत थिक होता है वहाँ पे देख के भी डर लगता है ना दूर से देख के भी हमें डर लगता है तो उस धुएं से हमें पहले खुद से खुद को भी दूर कर लेना चाहिए एकदम पीछे होके खड़े होना चाहिए बेटा कभी भी फायर के पास नहीं जाना चाहिए पहली बात तो ये है दूसरी बात यह है जो फायर फाइटर्स होते हैं बेटे आपने कभी देखा होगा उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं है ना वो पूरी किट पहन के आते हैं और फेस पे उनके एक मास्क लगा होता है प्रॉपर मास्क लगा होता है बेटे क्यों लगा होता है क्योंकि फायर के अंदर जो जो धुआं होता है ना उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं अगर वो हमारे अंदर चले जाएं वो धुआं हमारे अंदर चला जाए बेटे हमारी उसके लिए लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है वो तो उससे बचने के लिए वो लोग पूरा फेस कवर करके रखते हैं फेस पे मास्क लगा के रखते हैं पूरा कवर्ड करके रखते हैं और फिर उसको बड़ी बड़ी पाइप्स के के साथ पानी डालते हैं फायर के ऊपर ताकि फायर किसी भी तरह बुझ जाए ठीक है बेटे इसीलिए अगर कहीं पे किसी घर में या किसी फैक्ट्री में या किसी भी जगह बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो हम किसको कॉल कर देंगे बेटा फायर ब्रिगेड को क्लियर वेन थीफ इज कॉट वी कॉल द डैश अगर हमने किसी चोर को पकड़ना हो तो हम किसको बुलाते हैं बेटा पुलिस मैन को है ना? पुलिस वैन को बुलाते हैं तो पुलिस वैन के साथ कौन होते हैं बेटे पुलिस के लोग होते हैं पुलिस क्या है बेटे पुलिस आर ए ग्रुप ऑफ पीपल इज एनफोर्स लॉज इसका मतलब क्या है बेटे एक पुलिस का एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो किसके लिए काम कर रहे हैं हमारे कानून के लिए काम कर रहे हैं और एमरजेंसी में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बेटे और जो लोग पुलिस में वर्क करते हैं उनको पुलिस ऑफिसर्स बोला जाता है ठीक है बेटे और वो कहाँ पे काम करते हैं उनका ऑफिस कौन सा होता है बेटा पुलिस स्टेशन ठीक है तो उनको पुलिस जो होती है बेटे उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड देने के भी फर्स्ट एड मतलब अगर कहीं पे भी लड़ाई करते हुए फाइट करते हुए किसी के चोट लग जाए तो उनको ये भी दिया जाता है ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उस पर्सन को आप फर्स्ट एड दे सकते हो और उसको बचाओगे पहले आप. आपने पहले क्या करना है उसको बचाना है ठीक है और फिर क्या है बेटे कोई भी गलत बंदा जैसे कोई चोर है या कोई किसी से गलत फाइट कर रहा है उसको कौन पकड़ता है बेटे पुलिस पकड़ती है ठीक है तो इस तरह से जो पुलिस है बेटे उसके पास बहुत सारी पावर्स भी होती हैं और वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग पुलिस के डिपार्टमेंट्स होते हैं आपको कभी भी जरूरत पड़ती है एमरजेंसी में तो आप पुलिस को कॉल करके अपने पास बुला सकते हैं ठीक है बेटा ओके वी गेट पेट्रोल फील्ड इन आर कार फ्रॉम द डैश बेटे आप कहीं घूमने जाते हो मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हो ना तो घूमने जब जाते हो तो आप गाड़ी में जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो या स्कूटर पे जा रहे हो तो आप जाते जाते आपका पेट्रोल एकदम ख़त्म हो जाता है या उसमें पापा को पता चल जाता है कि पेट्रोल कम हो गया है तो आप कहाँ जाओगे पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पे तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो है ना पेट्रोल पंप पे जब जाते हो तो पापा क्या करते हैं पेट्रोल में जिसमें पेट्रोल डलता है वो साइड ओपन कर देते हैं है ना ओपन करने के बाद आप देखते हो पेट्रोल पंप के वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट जो लगा होता है उसके ऊपर नंबर्स होते हैं कि आपको आपने कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया और कितना डला आप देखते हो कभी ये चीज़ ये चीज़ भी देखा करो आप खुद देखा करो कि कितने पापा को पूछा करो पापा कितने का पेट्रोल डलवा रहे हो आप वन थाउजेंड का ओके okay, फिर उसमें देखो आप कि वन थाउजेंड में कितना पेट्रोल डला ठीक है ये चीज़ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए तो इस तरह से अगर हमें एमरजेंसी में कहीं एकदम जाना पड़ गया और हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम है तो हम पेट्रोल डलवाने कहाँ जाएंगे बेटा पेट्रोल पंप पे क्लियर इट इज़ यूज फॉर कैरिंग ब्रिक्स एंड रॉ मेटीरियल टू डिफरेंट प्लेसेस कौन सी चीज़ है बेटे जो सामान कैरी करती है जैसे ब्रिक्स हो गई या फिर रॉ मटेरियल हो गया अलग अलग जगह पे अगर हमने उसको सप्लाई करना है भेजना है तो किसके थ्रू भेजते हैं ट्रैक्टर के थ्रू तो. क्या है इसका आंसर बेटा ट्रैक्टर अब देखो बेटे वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम खुद उठा के इतना भारी सामान लेके जाए पॉसिबल नहीं है ना तो इन चीज़ों को लेके जाने के लिए चाहे वो ब्रिक्स हैं चाहे वो सैंड है या फिर और भी कोई सामान है जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है ना चाहे वो वुड है तो ऐसे सामान को कैरी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है बेटा ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए क्लियर स्टूडेंट्स हमारा लेसन बेटे आज जिनके बारे में था वो था नेम देम दैम का मतलब क्या था कि एमरजेंसी में जिनको हम कॉल कर सकते हैं उनके नेम कौन कौन से हैं आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा ओके okay बेटा थैंक यू तो देखो बेटा अगर कोई हो जाता है, चोट लग जाती है किसी के तो उसको किस में लेके जाते हैं एम्बुलेंस तो लिखो मेरा बेटा स्पेलिंग लिखो ए एम बी यू एल ए एम सी ई एम्बुलेंस लिख लिया बेटे नेक्स्ट देखो बेटे नंबर टू पे कहीं भी अगर फायर कर जाए F I R E Fire We gave B R I G

बच्चे सामान को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसका यूज किया जाता है ट्रैक्टर स्पेलिंग लिखो ट्रैक्टर टी आर ए सी टी ओ आर कर लिया बच्चे ओके स्टूडेंट्स हमारा लेसन बेटे आज जिनके बारे में था वो था नेम देम दैम नेम देम का मतलब क्या था कि एमरजेंसी में जिनको हम कॉल कर सकते हैं उनके नेम कौन कौन से हैं आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा ओके okay बेटा थैंक यू बाय